चाइनीज ऐप पर बैन लगाने के निर्णय का सोलन वासियों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। उनका मानना है कि देश की सरहदों पर चीन अपनी गंदी नजरें गड़ाए हुए है और वह सीमाओं पर नियमों का निरंतर उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि चीन की ओछी हरकतों की वजह से देश के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन भारत चीन से डरने वाला नहीं है। देश की सरकार ने उसे उसकी ही जुबान में अब जवाब देना आरंभ कर दिया है, जिसकी वजह से चीन पूरी तरह से बौखला चुका है। सोलन की जनता ने कहा कि चीन के सभी ऐप बंद कर मोदी सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, जिसका वे स्वागत करते हैं। इस मौके पर सोलन के व्यापारियों कमल बेग और राजेश मैनी ने कहा कि भारत में जब भी राष्ट्रवाद की बात उठती है तो इस मुद्दे पर सभी भारतीय एक हो जाते हैं, इसलिए चाइनीज ऐप बंद होने पर सभी भारतीय खुश हैं। उन्होंने कहा कि भारतवासियों को चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने चाइनीज ऐप को न की है, उसी तरह चाइनीज उत्पादों का भी बहिष्कार होना चाहिए, तभी चीन की अकल ठिकाने आएगी। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और न ही किसी एक पार्टी का निर्णय है। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सभी भारतीय एक हैं और वे चीन के सभी उत्पादों का भी बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। देखिए, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमें फख्र होता है कि हम हिंदुस्तानी एकजुट हो जाते हैं, और हिंदुस्तान की ओर कोई भी बुरी नज़र जब जब पड़ी है तो उसने मुंह की खाई है। सिर्फ ऐप्स बैन करना, ये कुछ सरकारी निर्णय हो सकते हैं, लेकिन मेरे मत में हम हर हिंदुस्तानी को अपने आप ही जो है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स का ही बॉयकॉट कर देना चाहिए, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी छितर बितर जाए कि वो कभी हिंदुस्तान की तरफ बुरी नज़र ना उठा। ऐप्स तो जो बैन किए गए बहुत अच्छी बात है। ऐप से एक स्टार्ट हुआ हमारा, ऐप्स के बाद ये और भी जो भी चाइनीज सामान है उसके ऊपर ये जल्दी बैन हो और पब्लिक खुद अवेयर हो इसके लिए, बैन करने के लिए। चाइनीज ऐप्स को या चाइनीज सामान को बैन करने के लिए सारा देश एक साथ है। इसमें कोई भी किसी तरह के पार्टी का कोई लेना देना नहीं, सारा देश देशवासी एक साथ है।